हेलो गैस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। तो मैं आप लोग के साथ फिर आज नया टॉपिक के साथ आया हूँ। ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है? ये थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब थर्मल समझ लीजिए, ठीक है? मैं इसमें आज मैं केडी कैंपस का जितना भी नोट्स हैं, केडी कैंपस का नोट्स का कंप्लीट करा दूंगा। मतलब जो भी केडी कैंपस का नोट्स हैं वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? और बाकायदा बिल्कुल ही अच्छा बताऊंगा। ये बिल्कुल एसएससी जेई लेवल का एग्ज़ाम का है, एसएससी जेई लेवल का। अगर आप एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं तो उसके चाहे एसएससी जेई की तैयारी में ही जितने भी जेई लेवल के एग्ज़ाम होता है, जो जितने भी जेई और पीएसयू के एग्ज़ाम होता है, जो जेई लेवल का होता है, सारा कवर हो जाएगा इसी से, सफिशेंट है, ठीक है? ये है, फिर इसके बाद एक बुक है, तो मैं वो सब कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? और उसके लिए आप टेंशन ना लें। जैसे UPSSS JE का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो सारा ये सब कवर कर देगा, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग उस लेक्चर को छोड़िएगा नहीं, ठीक है? टेलीग्राम में जुड़ जाइए और व्हाट्सअप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह में, ठीक है? और भी उसका मैं बुक वगैरह का PDF वगैरह डाला हूँ, तो वो सब भी आप जाके देख सकते हैं। GK डालता हूँ, ठीक है? मैं जो वीडियो बनाता हूँ टेक्निकल में मैकेनिकल का और GK बनाता हूँ, ठीक है? तो आगे टाइम में बात करते हुए आगे की ओर चलते हैं। आज मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में तीन टॉपिक आ जाता है। पहला आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स जिसे बोलते हैं थर्मल, आईसी इंजन और पावर प्लांट पढ़ना है SSC JE के, ठीक है? पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या, सबसे पहले हमको मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, एंट्रोपी, प्योर सब्सटेंस और प्रॉपर्टी ऑफ द गैस पढ़ना है, ठीक है? अगर बात करें और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन है वो पढ़ना है, ठीक है? तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे फोकस देना पड़ेगा, और ये बाकायदा अपने आप में सब है, बट फर्स्ट लो, सेकेंड लो और एंट्रोपी, प्योर सब्सटेंस से भी आ जाता है, बट ये तीन और मैक्सिमम ज़्यादा आप लोग देखेंगे, ठीक है? ये भी देखेंगे, बाकी बात हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले आप जान लेंगे थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग इंटरसेक्शन एंड द इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है ना? एनर्जी, ठीक है ना? एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि ब्रांच है किस चीज़ का, तो एक ब्रांच ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द इफेक्ट, ठीक है ना? अब सिस्टम एंड सराउंडिंग, जाहिर सी बात है कोई सिस्टम और सराउंडिंग है, मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है? और इस पार्ट को सिस्टम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। जो मतलब एक रूम है, रूम वाले पार्ट को हम एक सिस्टम बोलते हैं, एक जो रूम से बाहर वाले पार्ट है ना उसको सराउंडिंग बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो आप लोग सिंपल बात बोलेंगे ना, थर्मोडायनेमिक्स में एक जो भी एक क्या होता है ना, एक नॉर्मल इफेक्ट वगैरह जिससे एनर्जी हो, या नॉर्मल आप हीट वगैरह भी ले सकते हैं, जहाँ हीट वगैरह का बात आए, ठीक है? तो वहाँ आप समझ जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का ही यूज हो रहा है, ठीक है? तो देखते हैं आगे। अब बात करेंगे सिस्टम क्या है, तो सिस्टम क्या है, सिंपल वे में आप समझाइएगा थर्मोडायनेमिक्स वो होता है ना कि हम उसको जहाँ भी हीट का बात करें, ठीक है ना, जहाँ भी एक एनर्जी हीट का बात करें ना, और उसका हम स्टडी करते कहाँ, एक सिस्टम में, ठीक है ना, एक जगह पे, एक पैलेस में ना, तो आप थर्मोडायनेमिक्स बोल देंगे, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? और वही बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता है, फालतू चीज़ नहीं बताएंगे। अब सिस्टम क्या होता है, हम आपको बोल दें कोई एक रूम है, सपोज दैट यहाँ पे हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम। सराउंडिंग है, बाहर वाला पार्ट को सराउंडिंग बोल देते हैं, क्या आप देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। इट इज़ अ डिफिनेशन एज द क्वांटिटी ऑफ मीटर एंड द रिजेक्शन इज शेप वेयर द स्टडी इज द फोर्स, ठीक है? तो यही इसका डिफिनेशन है जो सर ने लिखाए थे, बट मैं आप लोगों को बताऊं कि आप जो भी है इस वाले पार्ट को आप लोग अपने हिसाब से समझ लें, इस वाले पार्ट में हम कुछ भी करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम, ठीक है? अब बाउंड्री क्या है, नीचे एक बाउंड्री क्या है, सिंपल इट इज़ अ रिलेटेड टू इमेजनरी, सिंपल बोल इमेजनरी सरफेस द सेपरेट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप पूछेंगे बाउंड्री क्या है, तो सिंपल बात है इस वाले पार्ट को बाउंड्री बोल देंगे, ठीक है? ये वाला पार्ट जो लाइन है ना, उस वाले पार्ट को नहीं बोलते बाउंड्री, आप लोग भी जानते हैं, नहीं बोलते घर बनाना है तो सबसे पहले बाउंड्री दो चार वोट, तो दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री, ठीक है? आगे है यूनिवर्सल क्या होता है। अब यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सही सही होता है। यूनिवर्सल जो होता है किसका, सिस्टम
प्लस सराउंडिंग का होता है। अब हम आप लोगों को बता देते हैं यूनिवर्सल क्या है। पूरा ब्रह्मांड एक तरह से यूनिवर्सल समझ लीजिए, ये सिस्टम है और बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ दिया क्या यूनिवर्सल बन जाएगा, इस वाले पार्ट को हम यूनिवर्सल बोलते हैं। सिंपल सिंपल में आप समझ लीजिए, ठीक है, ज़्यादा उलझुल नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द सिस्टम कितना प्रकार का होता है, तो ओपन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, क्लोज सिस्टम कंट्रोल मास, ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, और इसके बाद है कंट्रोल सिस्टम एंड द क्लोज सिस्टम, ठीक है। देखिए तीन तरीका का होता है, ज़्यादा उलझुल नहीं करना है, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीन आप पढ़ लीजिए। ओपन सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोज ये क्लोज सिस्टम को मास भी बोलते हैं क्या, तो कंट्रोल मास सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना कि आखिर होता है क्या ओपन सिस्टम, ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ओपन सिस्टम जान लीजिए होता है क्या। ओपन सिस्टम वो होता है ना जिसमें, मान लीजिए हम ओपन सिस्टम क्या होता है कि इनर्जी, सपोज दैट कोई सिस्टम है, इनर्जी और मास दिए, इनर्जी और मास, और ये इनर्जी और मास दोनों बाहर निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, कोई क्लोज है, इनर्जी दिए, मास दिए, यहाँ इनर्जी लिख देते हैं, यहाँ मास लिख देते हैं, वही सी बात है। और यहाँ पे क्या होता है कि मास यहीं रह जाता है, इनर्जी बाहर निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इनर्जी मास, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि ना तो इनर्जी बाहर निकलती है ना तो मास बाहर निकलती है, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल हम बेस्ट बता दें, एक जो है ना, एक मतलब एक पानी पीने वाला एक थर्मस आता है जो एक आइसोलेटेड होता है, उसमें क्या देखिएगा कि न तो हीट, मतलब वो जैसे गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है। तो एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोल देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे ये मतलब डिफाइन किया है ईजी वे में, तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओपन सिस्टम, मास ट्रांसफर, हीट इनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो बात है देख लीजिए, क्लोज में मास ट्रांसफर नहीं होता है, बाकी बात इनर्जी ट्रांसफर होता है, ओपन में इनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर होता है, आइसोलेटेड में दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसको आप एक चार्ट के रूप में बना सकते हैं, नोट्स आप भी बनाएंगे, एग्जाम का तैयारी करें तो नोट्स आप भी बनाएंगे, मैं इजी वे में बताता हूँ, आप इजी वे में लिख लीजिए, जैसे आपको मर्जी होता है इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। मगर पढ़िए, इस धरती पे अगर आप नहीं, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ना आपका कर्तव्य बनता है, तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। टेंशन होता है होने दीजिए, ठीक है ना, टेंशन को दूर पढ़ाई कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग लगे। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या होता है, आप जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए ना कि प्रॉपर्टी क्या होता है, आप ये जानिए, सिस्टम तो आप जान गए, सराउंडिंग भी जान गए, प्रॉपर्टी क्या होता है, जिस पार्ट को हम मेजर कर सकते हैं ना, जिस पार्ट को हम मेजर कर सकते हैं उस पार्ट को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। एंड अ करेक्टरिस्टिक ब्यूटी, ठीक है ना, एंड अ करेक्टरिस्टिक्स द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, ये कुछ वर्ड लिखा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता दिया ना कि यहाँ पे लिखा है किसी मेजर वाले पार्टों को हम प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है हम आपको बता दिए, ठीक है ना। अब बात है ये प्रेशर ऑफ अ गैस फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, इसी लिखा है प्रेशर ऑफ अ गैस फंक्शन, ठीक है, ये है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, जो खुद मुझे लगेगा कि नहीं ये बहुत ही नेसेसरी है, ये तो मैं उस सब बता दूंगा। लिक्विड क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ लिक्विड प्रोसेस ड्यू टू द इंटरकूलिंग एंड द रिप्लेसिंग फोर्स, ठीक है। अब देखिए ना, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ भी ये सब बात छोड़िए, जो मैं आपको बताऊंगा ना, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी दे दिस, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखते हैं आगे की वो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंसेंसिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इंसेंसिटिव प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप लोग सुनते रहिए ध्यान से, लिखना चाहते हैं तो लिखिए।
मैं इंसिटिव और एक्सटेंसिव का एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इंसिटिव प्रॉपर्टी क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सिंपल वे में बात बोलेंगे कि जितना भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिपेंड होता है किस पे, तो मास पे होता है, ठीक है ना। इंसिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंसिटिव क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। उसको कितना भी अगर डिवाइड कीजिएगा ना, तो वो डिवाइड नहीं होता है। दिस इज द नॉट डिपेंड ऑफ द मास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंसिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंसेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब इंटेंसिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होता है, काइनेमेटिक होता है, विस्कोसिटी होता है, एंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी काटेगा तो क्या कटेगा, इतना ही रहेगा, कोई डिफरेंस होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इतना ही पावर आएगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब बात करेंगे ऑल स्पेसिफिक, एक चीज़ तो आगे देखते हैं। चलिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए टोटल एनर्जी, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। टोटल वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ भी टोटल आ जाएगा तो एक्सटेंसिव होगा, ठीक है। एनर्जी भी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अगर ये सब बात करें तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। अगर आप लोग जेई का तैयारी करते हैं ना, तो फिक्स है कि आप इस नोट्स को थर्मोडायनेमिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, एक नोट में आप लोग लीजिए, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जितना भी स्पेसिफिक बात आ जाएगा तो सारा इंडिपेंडेंट होगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये इतना तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, जो जो एग्जाम में मुझे लग रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं वही बताऊंगा, फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा। हाँ, कॉस्टिक स्टैटिक पढ़ लीजिए। कॉस्टिक स्टैटिक्स क्या होता है, कॉस्टिक स्टैटिक्स सिंपल बात है कि आप समझ लीजिए कोई भी प्रोसेस हो रहा है ना, एक धीमी अवस्था में हो रहा है। सपोज डेट मान लीजिए ये है, मैं सिलेंडर पिस्टन ले, मतलब ये एक कॉस्टिक मतलब होता है ना कि स्लो होता है। कॉस्टिक मतलब क्या होता है, स्लो होता है। जब ये कोई प्रोसेस हो रहा है तो ऑलमोस्ट स्लो होता है, दिस इज कॉल्ड कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। नॉन कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है कि जो मतलब कोई है पिस्टन है, सपोज है सडन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, मतलब फास्ट गति, इतना समझ लीजिए कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टैटिक्स, द यहाँ पे एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टैटिक्स ऑफ द सिस्टम्स। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम है, मैंने बहुत पहले ही नोट्स बनाया था ये। द सिस्टम ऑफ द स्पेसिफिक बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ चेंज देन द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज द इंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द, ठीक है, इन्फाइनाइट थ्रू द विच सिस्टम पासिस वाइल द मूविंग फ्रॉम द इंटरनल स्टेट टू फाइनल स्टेट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग पाथ। द चेंज ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, द प्रोसेस कैन बी क्लासिफाई द टू, कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस एंड नॉन कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो आप जान लीजिए कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या, अब यहाँ से डिफिनेशन है कॉस्टिक स्टैटिक्स का प्रोसेस, ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक था, आई डोंट नो जो भी था, यहाँ देखेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं एक एक करके हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो ये नहीं कि सर ये नहीं बताए वो नहीं बताए, सर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्टिक स्टैटिक का ये है डिफरेंस, इफ अ प्रोसेस द पैलेस द फाइनल स्लो, ठीक है ना, ई पार्ट इंपॉर्टेंट स्लो, देन इज नोन एज कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस एंड द रिप्लेस्ड बाय द ज्वाइंट लाइन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डायग्राम, ठीक है। ये एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, सिलेंडर पिस्टन जो भी है कॉस्टिक स्टैटिक, मैं आप लोगों को समझाना बस यही होता है। नॉन कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस का देखते हैं क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस विच इज नॉट कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है ना, इज नोन एज नॉन कॉस्टिक स्टैटिक प्रोसेस। मैं आप लोग बताया कॉस्टिक स्टैटिक वो प्रोसेस होता है जो स्लोली होता है, जाहिर सी बात है जो नॉन कॉस्टिक स्टैटिक जो स्लोली नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे ना, रिलेटिव ऑफ द इंसेंसिटिव प्रॉपर्टी। अब है ना, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होता है, सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, सपोज दैट कोई ये लाइन है, ठीक ना, इसी पाथ से जाना होता है और इसी पाथ से आना होता है, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल, आप इतना समझिए। बात करें कोई लाइन है, ठीक है, इस पाथ से जा रहे हैं और घूम के ऐसे की ओर आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो एक घूम के इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल है, सपोज डैट मैं आपको देसी लैंग्वेज बताऊंगा,
यहाँ से गए और ये हैं ऐसे गए, ऐसे ना आते हुए ऐसे की ओर आ रहा है, ठीक है, मतलब एक रिवर्सल, मतलब एक रिवर्सल जाना, जिस डायरेक्शन में जाना उसी डायरेक्शन में आना, मतलब सपोज रिवर्सल मतलब एक फ्लो में जाना, एक लाइन में जाना, ठीक है, ई रिवर्सल मतलब एक लाइन में ना जाना, ठीक है। अब हम उसका एग्जाम ये देख लेते हैं कि क्या होता है रिवर्सल। अ प्रोसेस सेड टू विद रिवर्सल इज डायरेक्शन वी फ्लोइंग द सेम पाथ, ठीक है, मतलब ये कोई लाइन है, ये सेम पाथ पे जा रहा है, सेम पाथ डैट वी फॉरवर्ड पाथ विदआउट द लिविंग एनी इफेक्ट, मतलब इसका मतलब कि ये अगर इस पाथ पे जा रहे तो इस पाथ पे नहीं होना चाहिए, लिविंग इफेक्ट ऑन द सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग्स, ठीक है। इरिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, जाने वाला जो ई है नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज बोलता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इसी वाले पार्ट को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब कह रहा है अ कॉसिक स्टैटिक प्रोसेस कैन बी इरिवर्सिबल प्रोसेस बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, अ कॉसिक स्टैटिक प्रोसेस कैन बी इरिवर्सिबल प्रोसेस बट फॉर रिवर्सल प्रोसेस मस्ट बी कॉसिक स्टैटिक, मतलब जो होता है कि कॉसिक स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन है कि व्हेन अ प्रोसेस ऑफ कॉसिक स्टैटिक्स देन द लिखा है इट मे बी रिवर्सिबल एंड इट रिवर्सिबल। अभी हम आप लोगों को बताते हैं थर्मोडाइनमिक इक्विलियम क्या होता है, थर्मोडाइनमिक इक्विलियम देयर आर द फाइव टाइप्स ऑफ द इक्विलियम्स, देखते हैं। अ सिस्टम, सबसे पहले थर्मोडाइनमिक इक्विलियम क्या होता है, अ सिस्टम मतलब थर्मोडाइनमिक इक्विलियम आप लोग जानते हैं कि जो क्या हो कि एक तरीका से कोई सिस्टम है वो इक्विलियम अवस्था में, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, इवन और भी कोई फोर्स लग रहा है तो सब एक इक्विलियम इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अ सिस्टम सी टू बी थर्मोडाइनमिक्स इक्विलियम, ठीक है ना, मतलब थर्मोडाइनमिक सी टू बी थर्मोडाइनमिक्स इक्विलियम, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ अ सेटिस्फाई द फ्लोइंग ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। आप देखते हैं कि कितना पैसा सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि कोई सिस्टम जो इक्विलियम होना चाहिए, ठीक है ना, और कौन कौन तरीका होना चाहिए, तो कौन कौन तरीका सेटिस्फाई होगा तो ये सिस्टम इक्विलियम होगा, तो देखते हैं। आपको बताए थे मेनी टाइप्स का होता है, सपोज फर्स्ट होता है थर्मल इक्विलियम, थर्मल इक्विलियम क्या होता है कि जहाँ पे अगर हीट, यहाँ पे अगर मान लो 32 सेल्सियस है या 30 सेल्सियस है तो सिस्टम में हर जगह, अगर यहाँ 30 सेल्सियस है तो सिस्टम के हर जगह 30 सेल्सियस ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें मैकेनिकल इक्विलियम का, बात करें तो मैकेनिकल इक्विलियम है, सपोज यहाँ अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का तो उसके हर जगह पे इतना ही फोर्स लगे, एक इक्विलियम होना चाहिए हर जगह, ठीक है, तो इधर भी इतना ही फोर्स लगना चाहिए, नीचे के डायरेक्शन में भी इतना ही लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके पहले इसके बाद डिफिनेशन बता देंगे। केमिकल इक्विलियम क्या होता है, केमिकल इक्विलियम का तो यहाँ अगर मान लो यहाँ CO2 लग रहा है तो यहाँ भी CO2 होना चाहिए, सपोज डैट, और कोई अदर फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल हो गया, फेज इक्विलियम आप जानते हैं ना कि मतलब कोई एक फेज है और एक केमिकल है दूसरी केमिकल में चेंज ना हो, जिसको बोलते हैं फेज इक्विलियम। अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैकेनिकल का कहाँ पे था, केमिकल का था, केमिकल यूनिफॉर्म द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, यही बोला गया है, ठीक है, टेम्परेचर तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर। मैकेनिकल देयर शुड बी नॉट प्रेशर द ग्रेडियंट, ठीक है, टू बी इक्वल, मतलब फोर इक्वल होना चाहिए, मतलब इधर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है तो उधर डायरेक्शन में भी सेम लगना चाहिए, ठीक है। केमिकल नो केमिकल रिजेक्शन टू इक्वल रिजेक्शन शुड बी टेक पैलेस देन द केमिकल इज कंपोनेंट शुड बी नॉट चेंज, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, फेज चेंज, ठीक है ना, इट मास फेज शुड बी नॉट चेंज, ठीक है। अब बात करें मैक्रोस्कोपिक और इसके मैक्रोस्कोपिक क्या होता है और मैक्रो अप्रोच क्या होता है, मैक्रो मतलब होता है छोटा वाला पार्ट, ठीक है, और ये क्या होता है मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है कि लार्ज पार्ट, मैक्रोस्कोपिक वो होता है जहाँ पे हम लार्ज पार्टों का स्टडी करते हैं, मैक्रो मतलब मैक्रोस्कोपिक मतलब जहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक हम आप लोगों को कैसे बताएं एक बहुत ही छोटा एक अणु लीजिए ना, एक एटम लीजिए ना, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड एक ये हो जाएगा मैक्रो, हो जाए मैक्रो आप नाम से थे मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, छोटी चीज़ का। इट इज़ द अप्रोच विज द रिगार्डेड द इंसेटिव बिहेवियर द मोलिकुलर्स एंड टेक इज द कॉन्टेंट द एवरेज मोलिकुलर्स बिहेविंग द अप्रोचिंग द द मेंटेनिंग टू इट कनेक्ट द कंसेप्ट, जान गए ना,
ये इसका ये डिफिनेशन कंटिन्यूटी आप जानते हैं, कंटिन्यूटी जो उसका जो एक जो कोई फोर्स लगना चाहिए एक कंटिन्यूटी में लगना चाहिए, सपोज डैट मतलब यहाँ भी लग रहा है ना तो यहाँ भी एक सेम ही लगना चाहिए, एक कंटिन्यूटी में लगना चाहिए, ठीक है। तो इसी बोलते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू, ठीक है ना, नाम से स्पष्ट होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द दिस कॉन्सेप्ट मेथड ठीक डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू द कंटिन्यूटी विद द ठीक है विद द नो वर्ड्स एंड द होल द प्रजेंट्स, ठीक है। कंटिन्यूटी का लिखा है कंटिन्यूटी फॉर द कंटिन्यूटी द एप्लीकेबल द फ्री पाथ ऑफ द मलिकुलर शुड बी मच लेस देन सिस्टम एंड द डायमेंशन मच, ठीक है। एंड देखिए कुछ भी नहीं होता है कि कंटिन्यूटी का मतलब हम जो आपको बताएं वही है, बाकी बात यही सब इसका इसी के बारे में बोला गया है, ठीक है। कंटिन्यूटी अप्रोच द मीन फ्री पाथ ऑफ द मलिकुलर्स, मतलब जाने जाए ना कि फ्री पाथ ऑफ द मलिकुलर्स मतलब कोई एक पाथ है ना जो एक फ्री पाथ होना चाहिए, मतलब एक उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात एक फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें मलिकुलर फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, मैक्रो अप्रोच है वो सर, ये था मैक्रो अप्रोच है, मैक्रो अप्रोच इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर्स बिहेवियर टू कंसीडर, ठीक है ना, इंडिविजुअल मतलब एक एक करके स्टडी करते हैं। मैक्रो जो होता है उसमें हम एक साथ कई मॉलिक्यूलर को डिफाइन, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसे एक साथ कई भी ज़्यादा हम उसको स्टडी कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैक्रो मैक्रोस्कोपिक ठीक है अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। आप बात करें प्योर, यही बात वो इंडिविजुअल नाम से आप लोग बता ही दिए क्या होता है, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस का, तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो अच्छा तरीके से केमिकल रिएक्शन करे, जिसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ठीक है ना, आपको हम समझा दें, प्योर सब्सटेंस इज द मिक्सर ऑफ द होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक सेम होना चाहिए केमिकल, जैसे पानी है और लाइक वाटर ले लिए और सपोज डेट आइस ले लिए, दोनों को अगर मिक्स कर दिए तो दोनों अच्छा तरीके से मिक्स हो जाते हैं, उसमें केमिकल एकदम होमोजीनियस होना चाहिए केमिकल, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सर ऑफ द होमोजीनियस द कंपोजिशन ऑफ द थ्रो और देन द प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, जो अच्छा तरीका से मिक्स हो जाए, ठीक है ना, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है तो ओरिजिनल सोल्यूशन इज द मोर सुटेबल इन वाटर बिकॉज दैट इज द गिवन द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। गिब्स ये फेज है, ये याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है, गिब्स फेज रूल्स हैं, पी प्लस एफ बराबर सी प्लस टू हो जाता है, ठीक है। तो पी हो जाता है नंबर ऑफ द फेज फ्रीडम और डी एफ हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स होता है, और ये एक फार्मूला था ये याद रखें, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है गाइस, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम ही फ्रीडम जानते ही, फ्रीडम से फ्रीडम होता है, ठीक है ना। बाकी बात देखते हैं एक और, ठीक है ना, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सैचुरेटेड द मिनिमम नंबर ऑफ द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड द फिक्स स्टेट द सिस्टम, ठीक है। मैं इसका एक नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल एक बता दूंगा छोटा सा, ठीक है। तो आज के लिए बस कैसे इतना ही, ये केडी कैंपस का नोट्स था, ठीक है। मैं एक एक करके जितना भी सब बताऊंगा, बस जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो आप लोग समझ जाइए, बाकी बात जो डेफिनेशन आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, गूगल पे भी आप देख के नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है। कॉमेंट में क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आप वो भी मुझे एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए वही, थैंक्स, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाय।